70 की दहाई में क्लिफ्टन और मनोरा बीच के दिलकश नज़ारे जो आपको हैरान होने के साथ साथ हंसने पर मजबूर कर दें। आज का मनोरा और क्लिफ्टन आपने देखा ही होगा, तो आइए हम आपको 70 की दहाई में लिए चलते हैं, जब क्लिफ्टन को हवा बंदर कहा जाता था, जब पुरेसरार माही घर लोगों की तवज्जो का मरकज होता था, जब मनोरा जाने के लिए लोग बगैर किसी सहारे के छलांग लगा कर कश्ती में बैठा करते थे और बहुत से लोग घाट पर कश्ती में बैठते हुए लोगों का शुगल देखने के लिए आते थे, क्योंकि कश्ती में बैठते हुए रोज 8 से 10 लोगों का गिरना मामूल की बात थी। ये सब देखने के बाद फैसला आपको करना है कि ये मकामात 70 की दहाई में ज्यादा खूबसूरत थे या फिर आज। मज़ीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लिफ्टन समंदरी हवाओं की अमाजगा है और कराची की कदीम आबादियों के बासी आज भी इसे क्लिफ्टन के बजाय हवा बंदर कहते हैं। 70 की दहाई में यहाँ साहिल पर पानी में निसफ डूबा हुआ एक पुराना मतरूक और जंग आलूद बहरी जहाज भी टेढ़ा पड़ा हुआ था। मन चले तैराक अक्सर समंदर में तैरते हुए उस जहाज के नज़दीक चले जाते थे। ये जहाज यहाँ कई साल पड़ा रहा, फिर अल्लाह जाने कहाँ गायब हो गया। क्लिफ्टन पर साहिल समंदर के अलावा एक और कशिश जहांगीर कोठारी परेड से मुत्सल जबीस फन लैंड के नाम से एक प्ले लैंड भी था, जहां तरह तरह के झूले और बिजली से चलने वाली कारें हुआ करती थीं, जिनको लोग अलार्म बजने तक आपस में टकरा टकरा कर बेहाल कर देते थे। वहीं माही घर के नाम से एक अदद पुरेसरार और ख्वाबनाक मछली घर भी होता था। फनलैंड में होटल जबेस वालों का एक खूबसूरत सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट भी था, जहां खाने पीने की चीजें लोग अपनी पसंद के मुताबिक ट्रे में जमा करने के बाद अदायगी करते थे। आज साहिल क्लिफ्टन पर वो सारी तफरीहात तो मौजूद नहीं, अलबत्ता उन सब चीजों की जगह पर बाग इब्ने कासिम का एक बारौनक सब्जाजार फैला हुआ है। क्लिफ्टन के बाद दूसरा अहम मकाम जजीरा मनोरा था, जहां जाने के लिए केमाड़ी की बंदरगाह से कश्तियों में बैठना पड़ता था। मनोरे का साहिल क्लिफ्टन की तरह सरमई नहीं था, बल्कि पीली रेत और नीले पानी की सफेद झाग वाली शोरीदा सर लहरों की अमाजगा था। लेकिन यहाँ साहिल की सैर से ज्यादा मजेदार और सनसनीखेज वो कश्ती का सफर हुआ करता था, जिसमें केमाड़ी और मनोरा के दरमियान सफर होता था। केमाड़ी के घाट पर बगैर रेलिंग की खतरनाक सीढ़ियाँ नीचे समंदर के गदले और मचलते पानी के अंदर तक उतरती चली जाती थीं। इन सीढ़ियों के साथ बंधी हुई लांचें पानी की लहरों पर तेजी से हिल रही होती थीं। इन डोलती कश्तियों में सिर्फ छलांग लगाकर ही सवार हवा किया जा सकता था। कश्ती की दीवारों के साथ जुड़ी हुई लकड़ी की नशिस्तें पुर होते ही इसके घर घराते इंजन की आवाज बुलंद हो जाती और वो फट फट करती हुई घाट से निकलकर बंदरगाह में लंगर अंदाज ऊंचे ऊंचे बहरी जहाजों से बचती बचाती जजीरा मनोरा की तरफ बढ़ने लगती। समंदर की ठंडी और खुशगवार हवा खाकर सारे मुसाफिर खिल उठते। जैसे ही कश्ती मनोरा के साहिल पर पहुंचती, तो वहां एक और तमाशा देखने को मिलता। यहां घाट के पास समंदर के पानी में मलाहों के लड़कों ने एक अजब उछल कूद मचाई होती थी। समंदर में तैराकी और गोताखोरी का मुजाहरा जारी रखते हुए वो मनोरा की सैर के लिए आने वालों को समंदर में सिक्का फेंकने की तरगीब देते हुए फेंको फेंको की आवाजों का शोर मचा देते। जैसे ही कोई 54 यानी 25 पैसे या 58 यानी 50 पैसे का सिक्का उछाल कर पानी में फेंक देता, कई गोताखोर लड़के उस सिक्के के ताकुब में पानी में गोता लगा देते। ये पानी ऐसा कोई साफ शफाफ भी नहीं होता था कि समंदर में पड़ी हुई चीजें ऊपर से नजर आ रही हों, धुंधला सा पानी होता था। लेकिन इसके बावजूद चश्मे जदन में कोई न कोई मलाह लड़का उस सिक्के को अपने दांतों में दबाए पानी से बरामद होता और तमाशबीन हैरान रह जाते। वो सिक्का उन लड़कों का इनाम होता था। शाम तक वो अच्छी खासी कमाई करके घर वापस आ जाते। उस जमाने में कैमरा हर एक के पास नहीं होता था। कराची की तफरी गाहों पर अक्सर कश्ती फोटोग्राफर फौरी तस्वीर निकालने वाले पोलराइड कैमरे के लिए गाहकों की तलाश में घूम रहे होते थे। तस्वीर बनाने के बाद कैमरे का शटर दबाते ही उसके अंदर से फौरन रंगीन तस्वीर बाहर निकल आती थी, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।